प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट असल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा इसे बनाने के लिए जो ज़रूरी इन्ग्रीडियंट्स है चलिए देखते हैं इसे हम दो तरीके से बनाएंगे एक तो ओवन में और एक दूसरा जो हम बनाएंगे वो गैस पर यहाँ पर हमने हाफ के जी चिकन लिया हुआ है बोनलेस दही लिया हुआ है जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है हमने यहाँ पर लेमन जूस लिया हुआ है और हाफ़ के जी जो है हमने मैदा लिया है मैदा हम डो बनाने के लिए यूज़ करेंगे शक्कर ली हुई है हमने यहाँ पर टू टेबल स्पून चीज़ लिया हुआ है मोजरेला मिल्क पाउडर लिया हुआ है हमने यहाँ पर ईस्ट लिया हुआ है टू टेबल स्पून जैतून लिया हुआ है हमने औरिगेनो लिया हुआ है और चिली फ्लेक्स लिया हुआ है ये ऑप्शनल है यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया हुआ है हमने टिक्का बनाने के लिए हमने यहाँ पर हल्दी ली हुई है हाफ टी स्पून टू टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया हुआ है वन टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया हुआ है जीरा पाउडर लिया हुआ है सॉल्ट लिया हुआ है टेस्ट के अकॉर्डिंग और रेड फूड कलर लिया हुआ है अब यहाँ पर हमने नीम गरम पानी लिया हुआ है इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे ईस्ट ऐड कर देंगे इसमें टू टेबल स्पून जो लिया हुआ था अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद तो इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पाँच मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे ताकि अच्छे से घुल सके अब एक बर्तन में हम मैदा ऐड कर लेंगे ये मैदा जो है हमने हाफ के जी लिया हुआ है क्योंकि हम दो तरीके से बनाने वाले हैं आप इसे हाफ भी ले सकते हैं इसमें हम वो पानी ऐड कर देंगे जो ईस्ट का बना कर रखा हुआ था हमने इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे ये थ्री टेबल स्पून थी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर कर लेंगे इसका हमें डो तैयार करना है हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे सॉफ्ट सा हमें डो तैयार करना है ऑयल लगा देंगे अब इस पर ऊपर नीचे से ऑयल लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ढक देंगे और एक से दो घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही ढक कर रख देंगे हमने इसे ढक दिया है अब आगे का प्रो अब यहाँ पर चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने हाफ के जी बोनलेस चिकन ली हुई है इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम दही ऐड कर देंगे लेमन जूस जो है वो ऐड कर देंगे इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे जो हमने लिए हुए थे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर कर लेना है अब यहाँ पर हम ऑयल ऐड कर देंगे थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर कर लेंगे इस तरीके से हमारा मिक्स कर कर हो गया है आधे घंटे के लिए हम इसे भी रख देंगे ढककर आधा घंटा हो गया है हमारा अब हमने पैन गरम कर लिया है बटर डाल दिया है इसमें आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बटर जो है हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है इसमें हमने चिकन डाल दिया है इसे अच्छे से फैलाकर मीडियम फ्लेम पर हम ढककर पकाएंगे पाँच मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटा दिया है और इसका जो भी पानी है इसे हमें अच्छे से सोख करना है इस तरीके से हमारा पानी जो है वो सूख गया है अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे इस तरीके से इसे ढक देंगे हम ताकि फ्लेवर अच्छी तरह से हो सके अब इसके बाद हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है इसे आधे घंटे तक हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे अब दो घंटे हो गए हैं हमारा जो डो तैयार किया हुआ था हमने वो रेडी हो गया है अब इसे खोल कर देखेंगे हम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसे अच्छे से हम इस तरीके से नीचे साइड में हम आटा जो है इस शेप में हमें बनाना है राउंड बना लेंगे इस तरीके से अब इसके हम दो हिस्से करेंगे एक जो है हम गैस पर बनाएंगे उसके लिए और एक हिस्सा जो होगा वो हम अवन में बताएंगे आपको अब हमने एक हिस्सा ले लिया है इस तरीके से गोल शेप में राउंड बना देंगे सूखा आटा लगा देंगे हम इसे और इसे हमें बेलना है हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे इसे अच्छी तरह से फैला दिया है हमने अब अवन की जो ट्रे है उसे हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है ट्रे जो है हमारी हो गई है ग्रीस अभी इसमें हम ये जो हमने बेस बनाया है इस तरीके से इसमें डाल देंगे चारों तरफ से हम इसे फैलाएंगे हल्के से हमें फैलाना है ताकि उसमें पूरी तरह से शेप अच्छे से आ सके इस तरीके से शेप आ गया है एक फोक की मदद से हम इसमें होल कर देंगे हल्के हल्के ताकि जो है हवा इसमें ना हो अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं तरीके से पूरे बेस पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे ये हमारा लगा कर हो गया है शिमला मिर्च और प्याज हमने कट कर कर ली हुई थी इसे भी इस पर लगा देंगे अच्छी तरह से लगाना है हमें इसमें चिकन लगा देंगे हम चिकन भी लगा दिया है हमने अब हल्का से इस पर चीज़ डाल देंगे हम आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पे मोजिला चीज़ इस्तेमाल किया हुआ है इस तरीके से यहाँ पर मैं ऑलिव्स लगा रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स है ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे ये भी ऑप्शनल है अवन को जो है हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था इसे हम 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे इस तरीके से हमने अवन में रख दिया है इसे अभी बीस से पच्चीस मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे उसके बाद हम देखते हैं अब गैस से पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है इसमें ऑयल लगा देंगे हम अच्छी तरह से पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और जो दूसरा डो हमने बचा कर रखा हुआ था इस तरीके से इसे इसमें रखकर फैला देंगे ताकि ये अच्छे से एक बेस बन सके इस पर भी हम फोक की मदद से इस तरीके से होल्ड कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे इस पर भी शिमला मिर्च लगा देंगे प्याज हमने जो कट कर कर ली हुई है वो भी लगा देंगे इस पर सेम प्रोसीजर है जिस तरीके से अवन के पिज़्ज़े के लिए हमने किया हुआ था चिकन लगा देंगे इसमें चीज़ लगा देंगे ऑलिव्स लगा देंगे इस तरीके से ये हमारा हो गया है चिली फ्लिक्स डाल देंगे हम इस पर और ऐड कर लेंगे इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाए जो हमने ओवन में पिज़्ज़ा रखा हुआ था 25 मिनट बाद ये रेडी हो गया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक गया है इस तरीके से आप भी जरूर बनाइए जो हमने गैस पर पिज्जा बनाया हुआ था वो भी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया आप देख सकते हैं आप भी इसे जरूर ट्राई करना तो देखिए फ्रेंड्स हमारा चिकन टिक्का पिज्जा बनकर रेडी हो गया है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, कर ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़